प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आठवीं कक्षा की गणित के अध्याय दो वर्ग एवं वर्गमूल माने चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो कल इस अध्याय की शुरुआत हमने कर दी थी, तो कल हमने यह जाना कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, और आज हम वर्गमूल ज्ञात करने की अब विधियों पर चर्चा करेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। तो कल हमने वर्ग एवं वर्गमूल को जाना कि यह क्या होता है। तो एक बार से हम देख लेते हैं पुनः कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, फिर वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्ग क्या है हमने बताया था, जैसे आपसे 56 का वर्ग पूछा गया, 56 का वर्ग आपसे पूछा गया कि आप 56 का वर्ग बताइए, तो 56 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 56 × 56 माने 56 से 56 में गुणा करेंगे और जो आपका उत्तर आएगा वही 56 का वर्ग होगा। तो देख लेते हैं कि 56 को 56 में गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा। तो 55 25, 6 6 36 और 5 6 30 दूना 60, तो 6 3 6 5 11 के 1 और 2 1 3 31 36, तो बराबर 3136 वर्ग है किसका, 56 का। अगर 56 का वर्ग पूछा गया तो 56 का वर्ग है 31 36, और अगर 31 36 का वर्गमूल पूछा गया तो 3136 का वर्गमूल क्या होगा, 56 होगा। तो वर्ग तो आप ज्ञात कर लेंगे आसानी से, लेकिन यहीं जब वर्गमूल पूछा जाता है आपसे किसी संख्या का, तब कठिनाई आती है, क्योंकि अगर वर्ग पूछा जाएगा तो उसी संख्या का हम उसी संख्या में गुणा कर लेते हैं, उत्तर तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब वर्गमूल पूछता है तब फिर हम ऐसे मौखिक उसे बता नहीं सकते। तो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ आप जानिए, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, तो आप जानिए कि वर्गमूल ज्ञात करने की अब मुख्य रूप से तीन विधियाँ हैं। देखिए, पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि। पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि भाग विधि और तीसरी विधि प्रतिरूप विधि। प्रतिरूप विधि, तो देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि और प्रतिरूप विधि। अच्छा, इसमें से दो विधियां आप जानते होंगे कि गुणनखंड विधि और भाग विधि, यह प्रतिरूप विधि थोड़ा सा नया आप जानेंगे, और इस विधि से भी वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है और यह विधि भी बेहद आसान है। तो सबसे जो प्रचलित विधि है वह गुणनखंड विधि और भाग विधि, ऐसी दो विधियां ही बहुत प्रचलित हैं और बहुत आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल हम इन दो विधियों से निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की तीन विधियां, गुणनखंड विधि, भाग विधि और प्रतिरूप विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि है, तो हम गुणनखंड विधि पहले देखेंगे। तो गुणनखंड विधि, तो देखिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कब किया जाता है, पहले आप समझ लीजिए। जब दी गई संख्या छोटी हो, माने बहुत ज़्यादा वह संख्या बड़ी ना हो, तब इस विधि से उसका वर्गमूल हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, और वह संख्या पूर्ण वर्ग हो। दी गई संख्या बहुत बड़ी ना हो और वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, तब गुणनखंड विधि से उसका वर्गमूल हम सहजता से ज्ञात कर लेते हैं। मगर यहाँ आप ध्यान रखना है कि संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और वह पूर्ण वर्ग हो, आवश्यक है कि वह पूर्ण वर्ग हो, तब आप इस विधि का प्रयोग करें। तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए भी कुछ नियम हैं। तो क्या नियम हैं, सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर
उसमें से समान गुणन खंडों के जोड़े बनाएंगे। जब गुणन खंड आपने याद कर लिए, फिर उसमें समान गुणन खंडों के जोड़े बनाएंगे और फिर उन जोड़ों में से एक एक मन संख्या को लेकर उनका गुणा करेंगे, तब आप वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए उदाहरण से समझेंगे। हम एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे प्रश्न हमने लिया 1296 का वर्गमूल, 1296 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1296 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 1296 बराबर, अब अभाज्य गुणनखंड पहले आप इधर ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 1296 संख्या दो से कटेगी, तो सबसे पहले दो से ही काटिए। अद्वि छंग 12, अद्वि चौ 8, अद्वि अठ 16, माने दो से जब 1296 में भाग दिया तो 648 आ गया। अभी दो से कटेगा तो द्वि तियाई 6, अद्वि दूना 4, अद्वि चौ 8, फिर दो से काट लीजिए। अद्वि एकन्ने 2, अद्वि छंग 12, दो दूना 4, देखिए दो से कटेगा। अद्वि अठ 16, अद्वि कन्ने 2, अब यह 3 से कटेगा, दो से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकन्ने 3। तो देखिए 1296 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए, वो क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, तो 2 × 2 × 2 × 2, ऐसा 4 बार, 3 कितनी बार आया, ये भी 4 बार आया है, × 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए 1296 के अभाज्य गुणनखंड ये ज्ञात हमने कर लिया। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो यहाँ से गुणनखंड ज्ञात हुए, फिर यहाँ हमने लिख लिया। अब देखिए समान गुणनखंडों के आप जोड़े बनाइए, तो जब जोड़े बनाएंगे तो देखिए 2 की घात 2 अगुणते 2 की घात 2 अगुणते 3 की घात 2 अगुणे 3 की घात 2, तो घात 2 के रूप में सभी गुणनखंडों को लिखना है। तो देखिए 2 की घात यहाँ 4 हो रही थी, मगर 2 की घात 4 नहीं, घात 2 में रखनी है आपको। तो देखिए एक जोड़ा है आपका ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये, माने 2 जोड़े संख्या 2 के और 2 जोड़े 3 के। तो देखिए 2 के स्क्वायर × 2 के स्क्वायर × 3 के स्क्वायर × 3 के स्क्वायर। अब देखिए तो गुणनखंड पहले ज्ञात किया, फिर दूसरे चरण में हमने क्या जोड़े बना लिए। अब हर जोड़े में से एक एक अंक लेकर गुणा करेंगे, वर्गमूल आ जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 3, अब यही वर्गमूल है, इसका गुणा कर लेंगे। और 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 12, 3 × 3 = 36, देखिए 36 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, अतः 1296 का वर्गमूल बराबर 36। तो देखिए गुणनखंड विधि से अब बड़ी ही सहजता से हमने 1296 का वर्गमूल ज्ञात कर लिया। तो चलिए एक उदाहरण हम और लेते हैं, इस प्रश्न को हटाएंगे, हम मिटा दे रहे हैं, और एक उदाहरण दोबारा से देखते हैं। तो देखिए दूसरा उदाहरण हमने ले लिया कि 11025 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब इस उदाहरण को हम हल कर रहे हैं कि इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जब प्रश्न को हल करेंगे तो आपको क्या ज्ञात करना है, 11025 के अभाज्य गुणनखंड। तो 11025 के अभाज्य गुणन खंड, तो 11025 बराबर, अब देखिए गुणन खंड क्या है ऐसे हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ हम ज्ञात कर लेंगे इसके गुणन खंड, यहाँ हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए संख्या दो से यह नहीं कटेगी। अच्छा एक चीज़ गुणन खंड जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको आनी चाहिए
कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी, मैंने विभाज्यता के नियम। तो देखिए बहुत ज़्यादा यदि आपको नियम नहीं मालूम तो कम से कम 5 तक की विभाज्यता के नियम आपको पता होने चाहिए। तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक सम होगा, सम माने इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या का इकाई अंक सम होगा वही संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसका तो इकाई अंक 5 है जो सम नहीं है, तो यह तो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से तो विभाजित होगी क्योंकि 5 से वह संख्या विभाजित हो जाती है जिसका इकाई अंक 5 हो और या फिर 0 हो, लेकिन 5 से तो होगी, लेकिन क्या 3 से नहीं होगी क्या, पहले 3 से चेक करिए। तो 3 से विभाज्यता क्या नियम है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो अंकों का योग कर लीजिए, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, तो 9 तो 3 से विभाजित होगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से देखिए, तो 3, 3, 9, अब बचा 2, तो 20 हो गया, 3, 6, 18, अब 22, 3, 7, 21 और 3, 5, 15। अभी 3 से काटिए, 3, 1, 3, 3, 2, 6 और 3, 2, 6, 3, 5, 15। अब देखिए 3 से कटेगी कि नहीं, तो 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, अब यह 3 से नहीं कटेगी। तो अब यह संख्या देख लेते हैं 5 से कटेगी, क्योंकि 4 से भी नहीं कटेगी, अब 5 से काटेंगे। तो 5 और 2, 9, 10, तो 22 हो गया, 5, 4, 20 और फिर 5, 25, 5 से 5, 4, 20 और 5, 9, 45। तो अब यह संख्या 5 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, और 49 है सीधा 7 से कटेगा। तो 7, 7, 49 और 7, 1, 7। तो देखिए 11,025 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। अब यहाँ आप लिख दीजिए 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तो ज्ञात कर लिए हमने, अब समान गुणनखंडों के जोड़े बनाने हैं। तो देखिए 3 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना और 7 का एक जोड़ा बना। तो देखिए 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। अच्छा अभी ये 3 का माने 4 गुणनखंड होते तो 3 की घात 2 × 3 की घात 2, अच्छा 6 होते तब तो 3 की घात 2 × 3 की घात 2 × 3 की घात 2, माने घात 2 के रूप में इसे हम रखेंगे। अब एक माने जो 2 गुणनखंड हैं इसमें से एक एक नीचे लेंगे, तो 3 × 5 × 7, अब इसी का गुणा कर लीजिए वर्गमूल आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं हम, 3, 5, 15 और 15, 7, 105, तो 105 आपका वर्गमूल आ गया। हम लिख देंगे अतः 11,025 का वर्गमूल बराबर 105। तो देखिए गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग हो और संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। और अगर आप अभाज्य गुणनखंड नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो आप प्रश्न को हल भी नहीं कर पाएंगे। इस विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है गुणनखंड ज्ञात करना, यही काम कठिन है। यदि इस काम को आप कर पाएंगे तब ये प्रश्न बड़ी ही सरलता से आप हल कर लेंगे, और यदि यह काम नहीं कर पाए तो इसे भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि आपको विभाज्यता के कुछ नियम पता हो और 20 तक का वर्ग आपको कम से कम याद हो। तो 20 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए, जैसे 49 आया तो आपको तुरंत समझने जाना चाहिए कि 7 का वर्ग है। अब यहाँ आप विभाज्यता के नियम ना लगाइए कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तब बड़ी ही सहजता से आप ज्ञात कर लेंगे। तो आज बस इतना ही, और कल हम लोग भाग विधि पर चर्चा करेंगे और वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि सीखेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए।